बात करेंगे कि आज गिरा दिया जाएगा नोएडा का ट्विन टावर। दोपहर 2:30 बजे का वक्त रहेगा जब धराशायी करने की कवायद को शुरू किया जाएगा। ये काम शुरू हो जाएगा और ट्विन टावर गिरा दिया जाएगा और टावर में 3700 किलो विस्फोटक लगा दिया गया है। आसपास की इमारतों को खाली करवा दिया गया है। आसपास के 3 अस्पताल अलर्ट मोड पर हैं। उससे पहले तमाम जो है वहाँ की जो स्थिति देखी जाएगी। एनडीआरएफ की टीमों को भी बुलाया गया है। नोएडा में खड़े भ्रष्टाचार के ये गगनचुंबी टावर 9 सेकंड में खाक में मिल जाएंगे। इतनी ऊंची इमारत को गिराना जहां अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, वहीं आसपास मौजूद टावर्स और फ्लैट की सुरक्षा करना भी जरूरी है। इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। ब्लास्ट से पहले जहां सियान और अपेक्स टावर को ढका गया है ताकि मलबा दूर तक नहीं फैले, वहीं पड़ोस में मौजूद इमारतों को भी कवर किया गया है। जो एक पैटर्न आपको सफेद और काले पर्दे जो नजर आ रहे हैं, ये एक खास तरीके का कपड़ा है जिसमें कि वो जब विस्फोट होगा तो मलबा उड़कर वापस ना आए, आसपास के टावर्स की तरफ वो मलबा उड़कर ना आए, इस चीज को सुनिश्चित करता है। इसीलिए सफेद और काले जो पर्दे इस वक्त आपको दिख रहे हैं वो इस पैटर्न में लगाए गए हैं, यानी कि जिस भी कॉलम और जिस भी पिलर में इस वक्त होल करके वो बारूद भरा गया था वहां पर आपको इस वक्त वो सफेद कपड़े की एक लेयर दिख रही है। जिस मंजिल पे वहां पर इस पैटर्न को इसी तरह से सेट किया गया है कि वो स्पोर्ट होने के बाद वो बारूद जब उन छेदों में है वो फटने के बाद फैले ना। ट्विन टावर के गिरने से करीब 60,000 टन मलबा निकलने का अनुमान है। इस विस्फोट से आसपास में मौजूद बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचे, इसकी कवायद भी चल रही है। ये इस वक्त सुपर टेक एमराल्ड की जो सोसाइटी है, इन दोनों का बेसमेंट आपस में मिला हुआ था और जो सबसे बड़ी चिंता की बात थी कि जो आसपास के जो बेसमेंट है वो विस्फोट के बाद में वो प्रेशर क्रिएट एक जो होगा, एक वाइब्रेशंस जो आएंगी उससे पास वाले टावर को इस वक्त कोई नुकसान ना पहुंचे, उसको लेकर स्ट्रेंथनिंग का काम किया गया। इसका मतलब कि आसपास काम किया गया उसको मजबूत करने के लिए, जब वाइब्रेशंस होंगे विस्फोट के बाद तो वो आसपास के टावर को इस वक्त नुकसान ना पहुंचाए। ट्विन टावर में धमाके से सीमेंट और धूल के कण दूर तक फैलने की आशंका है। धूल पर काबू पाने के लिए स्प्रिंकलर की व्यवस्था की गई है। सुपर टेक के ट्विन टावर इस वक्त ध्वस्त होने वाले हैं। कुछ चंद समय रह गया है और आप सोचिए वो तैयारियां चल रही हैं। वो धूल के गुब्बार से बचने के लिए जो तकनीक है वो भी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से स्मॉग गन लगाई गई है। आप सोचिए वो वाटर स्प्रिंकलर्स हैं बेसिकली, जब वो विस्फोट होने के बाद कहा जा रहा है कि 1 से 2 किलोमीटर तक वो धूल का गुब्बार नजर आएगा और आसपास के इलाकों को उससे बचाने के लिए इस वक्त वो नोएडा अथॉरिटी अलग अलग जगहों पर चारों तरफ एक तरीके से इस टावर के वो वाटर स्प्रिंकलर लगा रही है, उनकी वो टेस्टिंग चल रही है। और इससे ये समझ आ रहा है कि वो धूल के गुब्बार एक बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि वो जब वो पार्टिकल्स यानी कंक्रीट जब टूटेगा तो आप सोचिए वो सीमेंट के वो सांस के जरिए आपके अंदर जा सकता है। इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जो कि बेहद खतरनाक हैं एक सेहतमंद व्यक्ति के लिए भी, और ये वही वाटर स्प्रिंकलर्स इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ब्लास्ट के जरिए टावर्स को गिराने वाली कंपनी एडिफिस का कहना है कि धमाके से गैस पाइपलाइन कनेक्शन पर असर पड़ने का खतरा नहीं। ऑलरेडी गैस पाइप के लिए हमने पहले भी बताया है कि वो रिक्टर पर 4 के लिए डिजाइन हुए है और ऑलरेडी 3 मीटर नीचे है, फिर भी हमने एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते हुए हम लोग ने उसके ऊपर प्लेट्स और बम्स बनाए हैं जो वाइब्रेशंस आएंगे वो उसको रिड्यूस करेंगे। धमाकों से नजदीकी इमारतों के ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, हालांकि घर में मौजूद कांच वगैरह टूट सकते हैं। सी वाइब्रेशंस जो इसके प्रेडिक्ट की है उससे स्ट्रक्चर को 100% कुछ भी नहीं होगा। देयर विल बी मे बी सम माइनर कॉस्मेटिक्स जैसे कलर में कुछ क्रैक आ गया या कुछ ग्लास टूट गए हो सकता है। सो उसके लिए हम लोग ने ऑलरेडी जियो टेक्सटाइल्स मटेरियल बिल्डिंग पे लगाया हुआ है। धूल और मलबे से बचाने के लिए स्विमिंग पूल को भी कवर किया जा रहा है।
जो पूरा फ्लोर है उस पे भी मिट्टी जो जम जाएगी, एक इंच तक मिट्टी हो सकती है उस विस्फोट के बाद। आसपास जो धूल का गुब्बारा आएगा उससे बचने के लिए पेड़ पौधों पर लगातार ख्याल रखा जा रहा है। वाटर स्प्रिंकलर्स तो लाए गए हैं, लेकिन अभी आप देखिए तस्वीर आपको अपने आप में बता रही है कि वो किस तरह से तैयारी हो रही है। यहाँ पर वो फाउंटेन लगा था, लेकिन फाउंटेन, वाटर, स्विमिंग पूल सब तरीके से उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और ढक के रख दिया गया है। और यहाँ पर वही तैयारियां चल रही हैं कि किस तरह से उस धूल के गुब्बार से बचा जाए। ब्लास्ट से पहले लोगों ने अपने घरों की बालकनी और खिड़कियों को ढक लिया है। हर टावर को इवैक्यूएट कराना है, 100% इवैक्यूएशन इस एरिया को करना है। दिस शुड बिकम अ नो मैन्स लैंड कल 11-12 बजे तक मैक्सिमम, ठीक है। फिर हम लोग हर चीज को चेक करेंगे और पावर सप्लाई को शट डाउन करना है, पानी को शट डाउन करना है और गैस वगैरह सब बंद करना है। तो हमें इस एरिया को पूरा 100% सिक्योर करना है हर तरह से। ये तस्वीरें ट्विन टावर से सटे टावर के बेसमेंट की है। धमाके से पहले आसपास की इमारतों को मजबूत बनाया गया है ताकि उन पर ब्लास्ट का असर ना पड़े। ट्विन टावर के नजदीक मौजूद फ्लैट्स के निवासियों को कुछ वक्त के लिए अपने घर छोड़ने के लिए कहा गया है। ऐसे लोगों के शेल्टर होम का भी इंतजाम किया जा चुका है। जिन रेजिडेंट्स को कुछ उस पीरियड के लिए दौरान जो है 7 बजे से और शाम के 7-8 बजे तक जब यहाँ से निकलना है और वापस आना है, उस समय उनको कहीं रहना है, तो उसके लिए जो हमारे साथ वाली सोसाइटीज हैं, पार्श्वनाथ हैं, सिल्वर सिटी है, इन लोगों ने हमें ऑफर किया, हमें अकोमोडेट किया है उस 12 घंटे 14 घंटे के पीरियड के लिए। लगभग कितने लोग शेल्टर होम में जा रहे होंगे आसपास? मेरे ख्याल से कम भी जो है 300 के लगभग रेजिडेंट जो है हमारे वो वहाँ पर जाएंगे। इधर ब्लास्ट की साइट एक टूरिस्ट स्पॉट में बदल गई है। लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। जानकारों के मुताबिक धमाके से होने वाले कंपन की तीव्रता करीब 1 होगी, जबकि हल्के भूकंप की तीव्रता करीब 3 से 4 होती है। प्रभु शर्मा के साथ वरुण भसीन, जी मीडिया, नोएडा। तो बताया गया कि भ्रष्टाचार के ट्विन टावर 7 साल लगे।